दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ द्वारा संवाद भवन में भारतीय जीवन दर्शन एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने इस अवसर पर सबको बधाई देते हुए कहा कि आज के इस आपदा काल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को, उनके दर्शन को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर शोधपीठ को पूरे सप्ताह विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने दीनदयाल शोधपीठ की संरचना एवं इसके उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ द्वारा एकात्म नाम से मासिक न्यूज़ पत्रिका का विमोचन भी किया गया। वहीं अतिथियों का स्वागत डॉक्टर रंजन लता ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं संयोजन प्रोफेसर प्रत्युष दुबे ने किया। कार्यक्रम का आभार ज्ञापन डॉक्टर शैलेश सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर रजनीकांत पांडे, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद, प्रोफेसर अजय गुप्ता, प्रोफेसर शोभा गौड़, प्रोफेसर अनिल कुमार राय, प्रोफेसर सुग्रीव नाथ तिवारी, योगेंद्र यादव समेत अन्य शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने कहा, प्रोफेसर रविशंकर सिंह सर, राज्य सरकार प्रोफेसर अवधेश तिवारी सर का मार्गदर्शन कर स्वागत करें कि हमारे वरिष्ठतम सदस्य प्रोफेसर शरद मिश्रा के विभाग के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर की कुलपति का मार्गदर्शन कर स्वागत करें। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जिनकी जयंती के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले तो हम उनका स्मरण करते हैं। वह है हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, जो एक प्रखर चिंतक, विचारक, दार्शनिक, पत्रकार, क्या क्या उनके बारे में कहा जाए, बहुत बड़े अर्थशास्त्री और केवल सर। संजीत कुमार गुप्ता, मैं निदेशक हूँ दीनदयाल शोधपीठ का। जैसा कि आप सब जानते हैं और समाज पूरा जानता है कि पंडित दीनदयाल जी
का जो है आज हम लोग 25 सितंबर को जयंती मनाते हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय जैसा कि इसका नाम ही है ना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ऐसे में इस विश्वविद्यालय का एक नैतिक जिम्मेदारी भी रहती है और हम लोगों का भी एक कह सकते हैं मन में उल्लास रहता है कि पंडित जी दीनदयाल की जयंती मनाएं। दीनदयाल शोध पीठ की स्थापना भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में है, इसलिए दीनदयाल शोध पीठ ने एक आज आयोजन किया जिसमें दी भारत जो जीवन दर्शन है यानी भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय संस्कृति में जो जीवन मूल्य हैं उनको लेकर और दीनदयाल जी का क्या विचार था उसको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर चर्चा आयोजित की थी और संगोष्ठी हुई जिसमें माननीय कुलपति जी और अन्य लोगों ने भाग लिया है। तो यह दीनदयाल जी के विचारों को निरंतर आगे बढ़ाने, दीनदयाल जी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया था एकात्म मानव दर्शन का, जो कह सकते हैं पूंजीवाद समाजवाद से भिन्न है और दोनों में जो समस्या है पूंजीवाद समाजवाद में उससे उसका मार्ग जो है दीन इसमें एकात्म मानव दर्शन में दिखता है। एकात्म मानव दर्शन मानव केंद्रित विचार है और हर आप सब जानते हैं कि मानव ही सारी सृष्टि का आधार है, कह सकते हैं सब सृष्टि की या मानव सभ्यता मानव पर ही निर्भर है, इसलिए मानव का हर प्रकार से कह सकते हैं सुख वर्धन हो, शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो और आत्मा सभी सुख बढ़ें, इस बात के लिए दीनदयाल जी ने जो है विचार दिए हैं उसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ संगोष्ठी की है और आगे फिर करेंगे।